हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे आप सब, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी दुनिया। गाइज, आज इस वीडियो में हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं ना, इसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। और मैंने कुछ महीनों पहले Acer Nitro 5 Ryzen 5 4600H वाला वेरियंट खरीदा था 1650 Ti के साथ, एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों को इसका रिव्यू चाहिए था। तो फाइनली आई एम मेकिंग अ रिव्यू वीडियो नाउ, और आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बट इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको अश्योर करना चाहूंगा कि आपकी सारी की सारी मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट आती है, कोई भी क्वेरीज आती है या फिर कोई भी क्वेश्चंस आता है ना, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टफ्स देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। तो मेक श्योर करना कि यहाँ पर आप जाकर मुझे फॉलो कर लो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गाइज, अगर बात करें बेसिक स्पेसिफिकेशंस की, तो बेसिक स्पेसिफिकेशंस में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको AMD Ryzen 5 4600H देखने को मिलता है, जो कि हेक्साकोर CPU है और इसमें 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करें रैम की, तो यहाँ पर आपको 8GB का रैम देखने को मिलता है, जिसे आप 32GB तक एक्सपांड कर सकते हो। विंडोज 10 होम का सपोर्ट दिया गया है। अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको 1TB की हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, 256GB का SSD देखने को मिलता है, और इसी पर आप एक्सपांड कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे बाद में। और अगर बात करें ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, तो यहाँ पर आपको 1650 Ti देखने को मिलता है, और इस लैपटॉप का जो वेट है ना, इस वाले लैपटॉप का वेट 2.3 kg का है। अब दोस्तों, अगर बात करें प्राइस की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये लैपटॉप को मैंने 70,000 rupees में खरीदा है। एंड जब मैंने लैपटॉप को खरीदा था, तो उस समय एक ऑफर चल रहा था जिसका नाम था पीस ऑफ माइंड ऑफर। इस पीस ऑफ माइंड ऑफर में मुझे 11,500 की वर्थ की चीज़ें फ्री में मिली, मतलब कि यहाँ पर इस लैपटॉप के साथ मुझे 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी फ्री में मिली 70,000 में ही। और यहाँ पर मुझे एक ब्लूटूथ हेडफोन देखने को मिला, जो कि पेबल की तरफ से आता है। आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, समवेयर अराउंड 1500 rupees के आसपास इसकी प्राइस होगी, और यहाँ पर इसका नाम मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं 1000 rupees और पे करता, तो मुझे Acer Predator का बैग देखने को मिलता, जिस ऑफर को मैं मिस आउट नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Acer Predator का बैग मुझे फ्री में, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 1000 rupees में देखने को मिला। और Amazon पे अगर इसकी प्राइस की अगर बात करें, तो इसकी प्राइस Amazon पे 10,000 rupees है। तो ये था पूरा डिटेल्स प्राइस का। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में, तो एक डिज़ाइन ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो चलो गाइस, लैपटॉप को मैं आपको एक छोटा सा डिज़ाइन ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके के डिज़ाइन के साथ ये आता है। और यहाँ पर अगर सामने की तरफ की बात करें, तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में आपको ब्रश फिनिश देखने को मिलता है। बीच में प्लेन फिनिश दिया गया है, Acer की ब्रांडिंग करी गई है, और यहाँ पर आपको नाइट्रो की ब्रांडिंग करी गई है, और यहाँ पर आपको 2 LED लाइट्स भी देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में बाद में। अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है, और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम बात करें लैपटॉप के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको केंजिंगटन लॉक देखने को मिलता है, एयर इनटेक वेंट देखने को मिलता है, RJ45 जैक देखने को मिलता है, और 2 USB Type-A 3.2 पोर्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको माइक्रोफोन और हेडफोन जैक देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर राइट हैंड साइड की, तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ भी आपको एयर इनटेक वेंट्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको Type-C 3.2 पोर्ट देखने को मिलता है, USB Type-A 3.2 पोर्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलता है। और अब दोस्तों, अगर बात करें इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के डिज़ाइन के साथ ये आता है, और यहाँ पर आपको 2 एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको पावर इनपुट या फिर पावर अडाप्टर ऐड करने के लिए पोर्ट दिया गया है, तो बेसिकली बैक साइड में दिया गया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जिस लैपटॉप में साइड में होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पर आप देख लो कुछ इस तरीके के डिज़ाइन के साथ ये आता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक दे देता है। अब चलो गाइस, बात कर लेते हैं लैपटॉप के बैक साइड के बारे में। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर एयर इनटेक के लिए वेंट्स देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे वेंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ये लैपटॉप एयर इनटेक कर लेगा। और यहाँ पर आपको 4 रबराइज्ड ग्रिप देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली अगर आप इसे प्लेन सर्फेस पर रखते हैं, तो ये फिसलेगा नहीं। और यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको 2 ग्रिल्स दिए गए, तो बेसिकली जो भी साउंड आउटपुट आएगी, ऑडियो आउटपुट आएगी, यहीं से बाहर आएंगी। तो ये था एक लैपटॉप का छोटा सा ओयू। अब गाइस, अगर बात करें लैपटॉप फ्लेक्स के बारे में, तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हो बहुत ही माइनर सा यहां पर फ्लेक्स देखने को मिलता है, और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है।
अब दोस्तों अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर हमें 15.6 इंचेस का फुल एचडी वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है और जो कि आईपीएस पैनल के साथ आता है। अगर बात करें रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पर हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें निट्स की, तो यहाँ पर हमें 300 निट्स का डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर मैं इस सेगमेंट में और भी लैपटॉप से इसे कंपेयर करूँ, तो बाकी सारे लैपटॉप्स में आपको 250 निट्स का डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर मैं एचपी पवेलियन की बात करूँ, या फिर असूस टफ सीरीज की बात करूँ, या फिर लेनोवो आइडिया पैड की बात करूँ, तो वहाँ पर हमें 250 निट्स का डिस्प्ले देखने को मिलता है। और अगर बात करें Acer Nitro 5 Ryzen 5 4600H की, तो यहाँ पर हमें 300 निट्स का डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने sRGB परसेंटेज के बारे में रिसर्च करा, तो मुझे ज़्यादा डिटेल्स तो मिल नहीं रहा था, लेकिन मैंने एक दो वेबसाइट्स पर पढ़ा कि यहाँ पर हमें 61% की sRGB परसेंटेज देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों अगर बात करें स्क्रीन ब्लीडिंग इशू की, तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको लैपटॉप में थोड़ा सा स्क्रीन ब्लीडिंग इशू देखने को मिलता है। कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा पता चल रहा है, इससे थोड़ा कम है, लेकिन स्क्रीन ब्लीडिंग इश्यूज है। वहीं दोस्तों अगर बात करें स्पीकर्स आउटपुट की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर डिसेंट अमाउंट ऑफ साउंड आपको प्रोड्यूस कर देता है ये लैपटॉप। एक गेमिंग लैपटॉप्स के मुकाबले यहाँ पर लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन हाँ डिसेंट इनफ है कि आप यहाँ पर मूवीज़ वगैरह देख पाओगे, या फिर आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पर एडिटिंग वगैरह सब हो जाएगी, एंड यहाँ पर आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर देता है। आप एक बार यहाँ पर साउंड टेस्ट सुन लो। अब गाइज अगर बात करें वेबकैम की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस लैपटॉप में हमें 0.9 मेगापिक्सल का वेबकैम देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी एवरेज है। तो अगर आप नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस करने हैं या फिर मीटिंग्स अटेंड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन जो वीडियो की क्वालिटी है वो एवरेज है यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्वालिटी कैसी है इसकी। वही दोस्तों अगर बात करें रैम के बारे में, तो यहाँ पर आपको 8GB का 3200 MHz का रैम देखने को मिलता है इस लैपटॉप में, जिसे आप 32GB तक एक्सपैंड कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस सेगमेंट में जो भी लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लैपटॉप्स में हमें मैक्सिमम एक्सपैंडेबिलिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 16GB की होती है, और इस लैपटॉप में आप 32GB तक एक्सपैंड कर सकते हो रैम को। और यहाँ पर अभी इस लैपटॉप में आपको दो स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, रैम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अभी एक स्लॉट खाली है, एक स्लॉट में आपको 8GB की रैम देखने को मिलती है। तो अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आप नियर बाई सर्विस सेंटर पर जाकर, या फिर आप बेटर होगा सर्विस सेंटर पर जाकर ही अपग्रेड कराओ, क्योंकि वारंटी में रहता है, तो बेटर रहेगा कि आप सर्विस सेंटर पर जाकर रैम अपग्रेड करा लो। अब दोस्तों अगर बात करें स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पर आपको इस लैपटॉप में 1TB की हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, और जो हार्ड डिस्क है वो 7200 RPM वाला है। और अगर बात करें SSD की, तो यहाँ पर हमें 256GB की SSD देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको एक और SSD स्लॉट खाली दिया गया है, ताकि आप यहाँ पर अपने स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको M.2 स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, दो M.2 स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अभी एक में 256GB की SSD देखने को मिलती है और दूसरा वाला स्लॉट खाली है। तो अगर आपको यहाँ पर स्टोरेज को एक्सपैंड करना है, तो आप नियर बाई सर्विस सेंटर पर जाकर स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हो।
अब गाइज अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में तो इस लैपटॉप में आपको AMD Ryzen 5 4600H वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 GHz है और जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो 4 GHz पर है। और अगर बात करें इस प्रोसेसर के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में तो ये जो प्रोसेसर है एक हेक्सा कोर CPU है जिसमें कि आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है तो ये जो प्रोसेसर है ना आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और ये जो प्रोसेसर है ये 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो यहाँ पर ये जो है ना प्रोसेसर वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट होगा इन कंपैरिजन टू इंटेल प्रोसेसर। दोस्तों अगर मैं राइजन 5 4600H को अगर इसके पिछले जनरेशन राइजन 5 3550H से कंपेयर करूं तो ये परफॉर्मेंस के मामले में 16 टाइम्स फास्टर है। तो यहाँ पर आप बेंचमार्क रिजल्ट्स देख सकते हो। यहाँ पर मैंने राइजन 5 4600H और राइजन 5 3550H का बेंचमार्क डिटेल्स कलेक्ट करने की कोशिश करी है और यहाँ पर आपको एक बार शोकेस करने की कोशिश करी है, तो आप यहाँ पर बेंचमार्क डिटेल्स देख सकते हो। वहीं अगर मैं इस प्रोसेसर मतलब कि राइजन 5 4600H वाले प्रोसेसर को i7 10th जनरेशन से कंपेयर करूं तो काफ़ी मुकाबले में यहाँ पर राइजन 5 4600H जो है ना यहाँ पर i7 10th जनरेशन को टक्कर दे देता है एंड इवन मल्टी कोर परफॉर्मेंस में समटाइम्स ये पीछे भी छोड़ देता है i7 10th जनरेशन को। तो यहाँ पर ये उसके बड़ा टक्कर का प्रोसेसर है। तो और यहाँ पर अगर मैं i7 10th जनरेशन की वाले लैपटॉप्स के प्राइस को देखूँ तो समवेयर अराउंड आपको 1,95,000 के आसपास वो लैपटॉप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेंचमार्क रिजल्ट्स भी आपको शोकेस करने की कोशिश करी है i7 10th जनरेशन की और Ryzen 5 4600H की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर आपको गेमिंग के लिए लेना है तो गेमिंग के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इंटेल वाले लैपटॉप्स के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको गेमिंग प्लस वीडियो एडिटिंग करना है तो आप Ryzen 5 4600H वाला प्रोसेसर कंसिडर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है और वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है, क्योंकि जिस प्राइस पर ये आपको मिल जाता है ना उस प्राइस पर आपको इंटेल i7 वाला प्रोसेसर समवेयर अराउंड 95,000 1,00,000 के आसपास देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर बात करें ग्राफिक्स कार्ड के बारे में तो यहाँ पर इस लैपटॉप में आपको 1650 Ti देखने को मिलता है। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के एंड में मैंने आपको गेमिंग टेस्ट कर दिखाया है, मैंने 3 से 4 गेम खेले हैं उनका टेस्ट गेमिंग टेस्ट आपको शो कर दिखाया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और कितना FPS ये दे देता है वहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें अब कीबोर्ड के बारे में तो यहाँ पर आपको 4-Zone RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो NitroSense एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर मैं होम स्क्रीन पर जाता हूँ, मतलब कि अपने लैपटॉप स्क्रीन पर जाता हूँ एंड वहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने कीबोर्ड को। तो अभी गाइज मैंने NitroSense एप्लीकेशन खोल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन खुलकर रेडी हो चुका है और इस तरह का कुछ एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप फ़ैन कंट्रोल कर सकते हो, ऑटो पर अभी ये चल रहा है, तो आप यहाँ पर CPU का RPM देख सकते हो और GPU का RPM देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर मैक्स पर चले जाएँ तो आप देख सकते हो जो RPM है वो बढ़ जाता है एंड यहाँ पर CPU और GPU अपने मैक्सिमम सेटिंग्स पर काम करने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो फ़ैन नॉइज़ आ रहा होगा आपको अभी, तो यहाँ पर अभी CPU और GPU मैक्सिमम फ़ैन स्पीड पर चल रहे हैं, तो अभी यहाँ पर इसे ऑटो पर कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको कूल बूस्ट टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कूल बूस्ट को ऑन कर सकते हो और यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ सेटिंग्स भी देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर CPU का सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, GPU का सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। बैटरी के लिए दिया गया है पावर सेविंग, बैलेंस, एसर ऑप्टिमाइज्ड, हाई परफॉर्मेंस, किस तरह का आपको बैटरी लाइफ चाहिए तो उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर अगर हम आ जाए यहाँ पर आप देख सकते हो कीबोर्ड का सेटिंग आपको देखने को मिल रहा हो। जैसे ही आप कीबोर्ड के सेटिंग्स पर आओगे तो यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड को 4-Zone RGB को कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अभी 4-Zone RGB लगा कर रखा है और यहाँ पर डायनेमिक भी कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ब्रीदिंग इफ़ेक्ट है, तो ब्रीदिंग इफेक्ट आपको दिखा देता हूँ। तो ब्रीदिंग इफेक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, वेव इफेक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है और जूम इफेक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है और शिफ्टिंग इफेक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट्स भी दिए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो मैं स्टैटिक पर ही रहने देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। और यहाँ पर अगर हम इसको करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से भी यहाँ पर कलर चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है, देख सकते हो। तो ये टोटली मेरे पे है कि यहाँ पर मैं कौन सा कलर रखना चाहता हूँ। तो और यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो आपको ओपेसिटी कम करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ओपेसिटी बहुत कम हो जाता है अभी
कैमरा फोकस आउट ऑफ फोकस हो गया, तो ओपेसिटी यहाँ पर आप डिक्रीज और इंक्रीज दोनों कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटेंट मोड देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप कंटेंट मोड कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पर ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, और यहाँ पर अगर सेटिंग्स की आ जाए तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप बैकलिट ऑफ आफ्टर 30 सेकेंड्स कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आपको ऑफ़ करना है 30 सेकेंड्स के बाद तो आप ऑफ़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर स्टिकी कीज़ है, विंडोज़ एंड मेन्यू की है, तो ये सब आप नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ था एप्लीकेशन में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देखने को मिल गया होगा। अब दोस्तों अगर बात करें कीबोर्ड फ्लेक्स की, तो यहाँ पर इस लैपटॉप में हमें कोई भी कीबोर्ड फ्लेक्स देखने को नहीं मिलता है, एंड जिस प्राइस पर ये लैपटॉप आता है ना, इस प्राइस पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। अब दोस्तों अगर बात करें ट्रैक पैड के बारे में, तो ट्रैक पैड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। दोस्तों अगर बात करें बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लैपटॉप के साथ आपको 135 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि इस लैपटॉप को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में चार्ज कर देता है। वहीं अगर बात करें बैटरी लाइफ के बारे में, तो अगर गेमिंग की बात करें, तो यहाँ पर मैंने 144 हर्ट्ज़ पर गेमिंग करी, और यहाँ पर मुझे ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ मुझे 1.5 घंटे का मैक्सिमम बैटरी बैकअप देखने को मिला, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से चल रहा था। 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट के आसपास का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है गेमिंग में। अगर बात करें नॉर्मल यूजर्स की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्मल यूजेस में ये लैपटॉप अच्छा परफॉर्म कर देता है, जैसा आप यूज करोगे उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिर्फ वर्ड पर अगर मुझे काम करना होता है, वर्ड या फिर इंटरनेट सर्फ करना होता है, तो वहाँ पर आराम से 6 से 7 घंटे की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हो, तो आपको समवेयर अराउंड 3 से 4 घंटे 5 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा मैक्सिमम। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करोगे, तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली एक समय पर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर YouTube वगैरह यूज़ करने से और सर्फिंग करने पे, या फिर अगर आप डॉक्यूमेंट एडिटिंग करना है वो, वीडियो एडिटिंग करना है वो, तो मुझे यहाँ पर आराम से 3 से 5 घंटे के अंदर का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है।
गाइज आपने गेमिंग टेस्ट तो देख ही लिया होगा, जितने भी गेमिंग टेस्ट मैंने करे थे वो 144 हर्ट्ज पर करे थे और 1080p सेटिंग्स पर करे थे। तो गाइज यहाँ पर मैं एक छोटा सा वर्डिक्ट दे देना चाहता हूँ कि अगर आपकी बजट 70,000 रुपीज है ना, तो यहाँ पर आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है ये, और यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर ये जो लैपटॉप देखने को मिलता है ना, इसमें उतने कॉम्प्रोमाइजेज नहीं करने पड़ेंगे जितने आपको इस सेगमेंट में और भी लैपटॉप्स में करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि HP Pavilion में 250 nits का डिस्प्ले देखने को मिलता है, वहाँ पर आप रैम सिर्फ और सिर्फ 16GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ सकते हैं, बल्कि इसमें आप 32GB तक एक्सपैंड कर सकते हो, 300 nits का डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पर थर्मल स्पीक काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है इस लैपटॉप में, और यहाँ पर कोई भी ओवरहीटिंग जैसी इशूज़ देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर इस लैपटॉप का थर्मल स्पीक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपके पास समवेयर अराउंड 70,000-75,000 रुपीज़ के आसपास है, तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। कभी कभी इसका प्राइस और भी ज़्यादा हो जाता है, 78-79 पर मिलता है, तो उस प्राइस पॉइंट पर मत लेना इस लैपटॉप को। आपको मैं बोलूंगा कि उसका एक और वेरिएंट आता है इस लैपटॉप का ही, Acer Nitro 5 का एक और वेरिएंट आता है जो कि 4800H के साथ आता है और 1650 Ti के साथ आता है। उसकी प्राइस 82,000-83,000 के आसपास मिलती है वो फ्लिपकार्ट पर। अभी तो वो आउट ऑफ स्टॉक है, बट जब भी वो आएगा मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर ये लैपटॉप आपको 75,000 से कम में मिल जाता है और कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाकर आपको आराम से लैपटॉप समवेयर अराउंड 67,000 रुपीज के आसपास भी मिल सकता है, ठीक है, तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। बेस्ट लैपटॉप है इस सेगमेंट में। और यहाँ पर कुछ FAQs के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि इस लैपटॉप में हमें कितना बूट टाइम देखने को मिलता है, कितने टाइम में ये लैपटॉप बूट हो जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 10-15 सेकेंड्स में ये लैपटॉप बूट हो जाता है, एंड मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम में ही हो जाता है। और अगर बात करें, यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हम इस लैपटॉप को प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ दोस्तों, आप इस लैपटॉप को किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये गेमिंग लैपटॉप है, तो ये हैवी टास्क के लिए ही बना रहता है, तो आप इसमें नॉर्मल टास्क भी कर सकते हो, यहाँ पर मीडियम लेवल का टास्क भी कर सकते हो, और यहाँ पर आप इसमें हैवी टास्क भी कर सकते हो। और गाइज एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो आप इस लैपटॉप को भी कंसिडर कर सकते हो, बट आप i5 10th generation वाला वेरियंट भी कंसिडर कर सकते हो। उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा गेमिंग में, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली गेमिंग में सिंगल को परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करता है, एंड वो लैपटॉप आपको सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, बस वहाँ पर प्रोसेसर डिफरेंट रहेगा, i5 10th generation रहेगा, वो आपको 63-64,000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, 6-7,000 रुपये बच जाएंगे आपके अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी करना है, गेमिंग भी करना है, और मल्टीटास्किंग वर्क ज़्यादा करते हो, आप रेंडरिंग वगैरह सब ज़्यादा करते हो, तो आप यहाँ पर इस वाले मॉडल के साथ जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है, इस सेगमेंट में बेस्ट है। तो गाइज़ अगर आपको लैपटॉप लेना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप वहाँ से जाकर खरीदोगे तो मेरे चैनल की मदद हो जाएगी, उस मदद से मैं आप लोगों के लिए और भी रिव्यूज़ लाता रहूँगा। एंड गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और गाइज एक और डाउट था काफ़ी सारे लोगों के मन में, आई एम सॉरी मैं थोड़ा वीडियो एक्सटेंड करता जा रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन अभी मेरे को जस्ट याद आया कि एक यूज़र ने लिखा था कि आपने A15 क्यों नहीं लिया, आपने Acer Nitro 5 क्यों लिया। तो बेसिकली इस लैपटॉप का स्क्रीन मुझे ज़्यादा बेटर लगा इन कंपैरिजन टू Asus TUF A15, और यहाँ पर थर्मल्स भी ज़्यादा बेटर लगा इन कंपैरिजन टू Asus TUF A15। तो ये चीज़ थी, इसलिए मैंने यहाँ पर Acer Nitro 5 Ryzen 4600H वाला वेरिएंट लिया। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, सुझाव रह गया, कोई भी क्वेरीज रहेगी, कोई भी डाउट रह गई, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर आ जाओ, यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेक रिलेटेड अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। तो मेक श्योर करना कि यहाँ पर आप जाकर मुझे फॉलो कर लो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल की नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ऐसे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। मिलूंगा ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।